ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी की नफरत को प्यार में बदल दें आप किसी से कुछ भी करा सकते हो आप इसको वशीकरण बोल बो सकते हो लेकिन है नहीं रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा हैं कि एक गर्लफ्रेंड ने डिच किया सेकंड रिलेशन भी खराब हुआ तो वो इज द राइट टाइम टू एक्सप्रेस लव लव इफ यू समवन जब आ जाए अंदर जब अंदर उसी टाइम कर दो जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए भाई दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी और लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हर बार हम एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ मिलते हैं जिनसे जानते हैं लाइफ के बारे में कुछ नया आज मेरे साथ में है ज्योति सचदेवा जी ज्योति मैडम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है थैंक यू सर थैंक यू सो मच तो ज्योति जी आज बहुत सारे प्रश्न मैं वो पूछने वाला हूँ जो युवा साथियों ने मुझसे पूछे हैं और न केवल युवाओं ने हर उस व्यक्ति ने जो लव के बारे में कुछ जानना चाहता है तो,

लेकिन आई थिंक ये सेल्फ लव ये बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है और मुझे आज के टाइम में ऐसा लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ओके okay. ये मतलब स्कूल में ही सिखा देना चाहिए कि खुद से प्यार करना सेल्फ लव मतलब खुद से ली ली प्यार है यार, तो मैंने सुना है। <laughs> Actually, ये नया टॉपिक है किसी ने सिखाया ही नहीं ना कि खुद से भी प्यार किया जा सकता है तो सेल्फ लव का मतलब है अपने आप से प्यार करना अपने आप को एक्सेप्ट करना मैं जैसा हूँ जो हूँ मैं खुद को ही अगर प्यार नहीं कर रहा हूँ मैं अपने में ही कमियाँ निकाल रहा हूँ तो मैं किसी और पे मतलब किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता जी तो अब जैसे लव आपने प्यार की बात करी हम ना प्यार बाहर ढूंढ रहे हैं जी कि मैं अपने इससे प्यार करता हूँ इस लड़की से प्यार कर रहा हूँ इस लड़के से प्यार कर रहा हूँ या हम अपने पेरेंट्स से भी प्यार करते हैं हम अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं लेकिन क्या हम खुद से प्यार कर रहे हैं ओके मतलब अपने आप को प्यार करना एक सेल्फ लव है अब ये लव भी दो तीन तरह का होता है अब मुझे पता नहीं लोग इसको कैसे सुनेंगे एक बोथ दोनों दूसरे को प्यार करते हैं जो अपने आप से ही हो रहा है और जब आपको सिंगल साइडेड लव हो जाता है ना तो फिर आपको डबल साइडेड क्या आपको हर तरफ सिर्फ लव ही दिखाई देता है थोड़ा सा और अच्छे से बताओ मतलब चलो अब और अंदर डीपली हम जाते हैं एक तो सेल्फ लव के रिलेटेड ना एक तो मिथ बहुत है कि सेल्फ लव मतलब हम पार्लर चले गए स्पा करवा लिया या हमने आ, मतलब, मतलब, फिजिक, फिजिकल, फिजिकल ब्यूटी, ब्यूटी पे हम ज्यादा वो देने लगते हैं है। हाँ तो सेल्फ लव का मतलब यह है सबसे पहले तो अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट करना जी। जैसे आप फिटनेस से ऑलरेडी वो रहे हैं तो बहुत लोगों को होता है मेरा मैं मोटा हूँ मैं पतला हूँ थोड़ा सा जो फिटनेस

अब जैसे हम भी हैं कैमरा पे हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं लेकिन बैक पे मैं अकेली जब हूँ तब मैं क्या तब बात कर नहीं क्या, क्या बात मैं कुछ कर पाऊंगा कम पढ़ा लिखा हूँ या मेरी कम जानकारी है कम नॉलेज है कम सोशल सर्कल है या कम एफिशियंट मैं है ना तो यहीं पे वो लैक मेंटेलिटी आती है अब जब हम दूसरे से प्यार मांग रहे हैं मतलब हर कोई ना कटोरा लेके एक दूसरे से प्यार मांग रहा है कि ये मुझे तुम मुझे प्यार कर दो या हम अपने पेरेंट्स से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर बाहर ढूंढ रहे हैं जबकि हम अपने आप से अगर प्यार करेंगे तो हम अपने आप में पहले कंप्लीट है फिर आप अट्रैक्ट कर सकते हो जो मर्जी ये लॉ वो मैंने एक मूवी में सुना था कि भाई आपका फेवरेट कौन है कि मैं मैं अपने आप मैं अपनी फेवरेट खुद है बिल्कुल अभी जैसे मैं अभी आपसे पूछूँ कि अभी आप आँख बंद करो तो आप सबसे लव्ड वन जो भी आपका है आप उसको विजुलाइज करो कि कौन आता है भाई बता, मैं जब बंद करता हूं, मुझे सबसे सब ज़्यादा अपने बारे में ही ख्याल yes. आता है कि भाई मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा ऐसा और हो सकता हूं। बिल्कुल। तो, आप आप okay. तो लव आप अपने बारे में मतलब अगर आप अपने जजमेंट करो अपने आप को देखो कि हाँ मेरा जैसे मैं वीकली गोल लेती हूँ

ग्रेट ईश्वर के प्रति धन्यवाद करें कि भाई यार मैं जो कुछ भी हूँ ना भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है भगवान से पहले खुद के लिए एक धन्यवाद में कौन हूँ मैं आत्मा अच्छा, हूँ तो मैं परमात्मा का ही तो कण हूँ तो मैं अपने ही अंदर अगर परमात्मा को समझती हूँ कि मैं भी तो उसी का ही बच्चा हूँ तो मैं पहले खुद को ही क्यों नहीं पूजती Hmm. मेरी बॉडी को ही मैं क्यों नहीं पूज रही तो क्या प्रोसेस क्या है मतलब सेल्फ लग, पहले तो देखो ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि सेल्फ लव कैसे होता है और हमें सच में अपने आप से प्यार है या नहीं इसको कैसे वेरीफाई करें देखो अगर आप आइडेंटिफाई करने का तो ये है कि अगर आप लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो hmm. जिस भी सिचुएशन में हो मतलब आप अपने में ही कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो चीजों को okay. जैसे आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स या बहुत बार ये बोलते हैं तुम्हारे लिए हमने ये किया Hmm. तुम्हारी वजह से हमने आप कंप्लेन मोड में होते हो hmm. जब आप खुद से कंप्लेन कर रहे हो योर इनर वर्ड इज योर आउटर रिफ्लेक्शन आप अपने आप से कंप्लेन करोगे तो आप अपने बच्चों से भी कंप्लेन करोगे अपने एम्प्लॉय से भी कंप्लेन करोगे अपने बॉस से भी कंप्लेन करोगे वो आप रिफ्लेक्ट करोगे योर इनर साइड अगर आप अंदर से पीस में हो अभी जो है उस पर एवरी डे वन परसेंट इम्प्रूवमेंट करते जाओ कैसे उसके बहुत सारे टूल्स हैं जैसे सेल्फ लव का बेस्ट टूल है मिरर एक्सरसाइज शीशे के सामने खड़े होके वो रिफ्लेक्ट बैक होता है आप जो शीशे में बोलोगे वो आप क्रिएट करते जाओगे ओके okay. मतलब बात करनी से, से, बात बात चाहिए आप मिरर के सामने मिरर क्या है आप अपनी मिरर देख रहे ये आउटर अपियरेंस का होगा लेकिन इनर इंटरनल भी होगा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है या मैं छोटी छोटी बातों पे मुझे बुरा लग जाता है लोग मुझे ट्रिगर कर जाते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आजकल यूथ के लिए रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं कि एक गर्लफ्रेंड ने डिच किया सेकंड रिलेशन भी ख़राब हुआ तो वो सेल्फ डाउट में चले में भी आपने कहा एक गर्लफ्रेंड ने डिच किया क्या, क्या बॉयफ्रेंड भी कर सकता है मतलब तो वो कोई भी रिलेशन आपको एक पैटर्न होता है वो पैटर्न आप बार बार रिपीट करते हो जब तक कि आप सेल्फ लव नहीं खुद से प्यार करना नहीं सीख जाओगे तो सबसे पहले सुबह उठते ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करना है अपना डे फर्स्ट स्टेप इज बींग ग्रैटिट्यूड मोड वहीं से आपने पहले तो अपने क्या करूं? रोज अपने जैसे पूरी बॉडी को ग्रेटिट्यूड दो बाल हैं थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटिफुल हेयर थैंक यू फॉर योर आईज फॉर योर लिप्स everything. अपनी पूरी इंटायर बॉडी इंटरनल बॉडी आउटर बॉडी योर सोल नलके में पानी आ रहा है बी mm ग्रेटफुल -hmm. खाने को अच्छा खाना मिल रहा है बी ग्रेटफुल okay. आप ये लॉ मैजिक एक बुक है आप वो मैजिक बुक को प्रैक्टिस कर सकते हो okay. कि आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे ना तो और मल्टीपल रीजन्स मिलेंगे आपको और ग्रेटफुल होने के लिए okay. तो सेकंड स्टेप ये तो अगर आपका स्पाउस ग्रेटफुल आप जैसे आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं अगर आप अपने पार्टनर को वो जैसा है उसको थैंक यू करो आप उसमें कंप्लेंट या ब्लेम निकालते रहने की जगह आप उसको जो अच्छा वो कर रहा है ना उसके लिए थैंक यू बोलो ठीक है सबसे पहले खुद के लिए बोलो फिर घूम के उंगली अपने लिए, लिए, लिए आती है अपने पार्टनर के तीसरा स्टेप उसके बाद है कि आपने ग्रेटफुल हो गए नेक्स्ट अब आप विजन बनाओ कि नेक्स्ट आपको ठीक क्या करना है उसके लिए स्टेप्स क्या हैं सबसे पहले मिरर एक्सरसाइज दूसरा आप अपने जो भी मिरर में आपने अपने डाकर साइड को भी पहचानो कि मेरे में ये इश्यू आ रहा है जैसे मेरा था कि मैं सुबह नहीं उठ सकती ठीक है अब वो एकदम से मैजिकल तो होगा नहीं कि मैं सुबह कल से शुरू कर दूँगी मैंने पहले आठ बजे उठ रही थी तो मैंने सेवन थर्टी कर दिया साढ़े okay. सात करा हाँ फिर मैं मैंने तो मैं सात कर, कर, कर लिया को शिफ्ट करते जाओ खाली आधा आधा घंटा या पंद्रह पंद्रह मिनट मैंने बेटर करना अब मैं साढ़े छः बजे उठ रही हूँ अब मेरा चार बजे का टारगेट है तो आप थोड़ा अपने आप पर ना थोड़ा सा तरस खाओ कि लेकिन हाँ आप थोड़ा डिसिप्लिन भी चाहिए क्योंकि नहीं तो आप ये सोचोगे फिर तो कभी आएगा ही नहीं है तो हमेशा मिडल पाथ हमेशा बैलेंस की आप ओवर भी नहीं उधर गिर रहे हो कि अपने आप को बिल्कुल आ, मतलब स्ट्रगल इतना कर रहे हो कि फिर आपने गोल तक तो पहुंच गए लेकिन आपको खुशी नहीं है अब मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या हम सुनते ही हैं कि इतने लेवल पे पहुंच के अपने ड्रीम पे पहुंच के वो सुसाइड करते हैं क्यों क्योंकि उसने गोल तो पकड़ लिया लेकिन जर्नी ही भूल गए तो हर चीज़ को जो भी स्टेप ले रहे हो सबसे पहले तो अपनी हॉबी एक बुक है इक्की गए हाँ, एक आपकी हॉबी क्या है कुछ भी हो जाए आप आधा घंटा अपनी उस हॉबी को दे रहे हो।, कुछ भी हो सकता है जैसे मुझे है कि है, है, स्केटिंग सीखना है। कुछ भी आप अपने फिटनेस के लिए टाइम देते हो तो दैट इज योर पैशन दैट इज योर सोल मतलब मैं बता रहा हूं जब मैंने अपनी हॉबी पे काम करना शुरू किया तो मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है उनको अच्छे जानते हैं तो कहने का यार इस एज में अगर स्केटिंग करेगा तो हड्डी टूट जाएगी जुड़ेगी नहीं मन का जब टूट जाएगी तब नहीं जुड़ेगी ना बट अगर मैंने अगर ट्राई नहीं किया तो मुझे लगेगा कि मैं स्केटिंग कर सकता था मैंने नहीं की बिल्कुल तो आफ्टर 40 प्लस आई स्टार्टेड स्केटिंग ज़ुम्बा एरोबिक किकबॉक्सिंग मार्शल आर्ट उसके बाद में मैंने शुरू किया <laughs> अब आपके हमारे वाले एज के जो हैं स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड लोग वो मोस्टली ये चाहते हैं कि बस पैसा 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 या बिजनेस को हम कैसे नेक्स्ट लेवल लेके जाए hmm. लेकिन हमें चारों पिलर पे काम करना है okay. तो एक तो ये है कि आप पांच स्टेप तो फर्स्ट तो यही हो गया ग्रेटिट्यूड सेकंड हो गया आपका मिरर एक्सरसाइज yeah. थर्ड हो गया आपकी हॉबी चौथा हो गया एक परसेंट आप रोज अपने आप को इम्प्रूव कर रहे ओके okay. वो किसी भी वे में हो सकता है अगर आपको बुक रीडिंग करने का कुछ भी एक गोल ले लो बुक रीडिंग करनी है तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था एवरी डे मैं एक पेज पढ़ूँगी क्योंकि मेरा तो बुक खोलते ही मुझे नींद आ जाती थी अब मेरे मेरे को वो ना बहुत हैवी चीज़ थी मेरे लिए मैंने रोज का एक स्टेप वो किया कि एक पेज रोज एक मुझे पढ़ना ही पढ़ना ही है चाहे उतने में सो जाऊँगे वो एक पेज करते करते कब एक चैप्टर हो गया वो एक बुक हो गई आज वो बुक पढ़े बिना मुझे नींद ही नहीं आती तो वो एक एड ऑन करते जाऊँ और फिफ्थ स्टेप आपका अपने आप को अपने एनालाइज़ करो जर्नलिंग करो अकेले में बैठो मेडिटेशन हम बहुत पावरफुल टूल है आप अपने खुद की ब्रेथ को कनेक्ट करो आप हाथ को ऐसे क्रॉस करो पैरों को यू क्रॉस करो आँख बंद करो और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करो okay. आप अपनी ब्रेथ को फील करते हो तो आप धीरे धीरे अपने अंदर को जाते हो फिर आपके पापा पोएंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस एक पेपर पे लिखो

होता है ना भाई दोस्तों में भी होते हैं भाई दोस्त हैं उनमें से मैं किसी एक को ज़्यादा पसंद करता हूं. या है, या है है तो उन सभी फ्रेंड्स में से किसी को हम ज्यादा पसंद करते हैं अगर किसी के प्रति, किसी के के प्रति मन में प्यार हो तो उसको कैसे एक्सप्रेस करें बहुत अच्छा क्वेश्चन है आई थिंक हमारे इसका मैं स्पिरिचुअल थोड़ा सा आंसर देना चाहूँगी यहाँ पे हमारी बॉडी में ना सेवन चक्रास होते हैं आपका क्राउन चक्रा थर्ड आई थ्रॉड चक्रा हार्ट चक्रा सेंटर में नेवल से दो फिंगर ऊपर सोलर प्लेक्सिस नेवल से दो फिंगर नीचे सैक्रल चक्रा और हिप बोन पे रूट चक्रा तो जहाँ ये एक्सप्रेस करने वाला इशू होता है ना वो आपका चक्रा ब्लॉक है है बैलेंस नहीं या तो ओवर बोल रहे हैं बोल नहीं है, पा रहे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कई बार तो, मन में ये भी डाउट रहता है ना कि ऐसा ना हो की मैंने कुछ बोला तो रिएक्शन रिएक्शन तो यहाँ फियर वाला है वो पता नहीं फियर इशू फियर ऑफ रिएक्शन है फियर क्या होता है आपके रूट चक्रा से कनेक्टेड होता है आपका हिप अच्छा। बोन या आपके सैक्रल चक्रा जब भी हमें डर लगता है तो यहाँ पे हमें ऐसा मतलब लगता है, है. तो 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 हाँ। यूथ के लिए सबसे सिंपल सबसे एक बहुत ही पावरफुल टूल है आप किसी से कुछ भी करा सकते हो आप इसको वशीकरण बोल सकते हो लेकिन है नहीं आपको सिर्फ आइस बंद करके ना सामने वाले को फील करना है और विजुअलाइजेशन में ना बहुत पावर है जी मैं मानता हूँ इस बात को विजुलाइजेशन की पावर तो बहुत जब आप योर थाट इज़ योर रियलिटी आप अपनी थाट क्रिएट करो किसी ने थाट क्रिएट करी थी कि चांद पे जाना है तो वो चांद पे चला गया आपने एक टाइम पे कभी थॉट क्रिएट करी होगी कि आपका जो बिजनेस है वो उसको कहाँ किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं मतलब मैं आप लाइव उसमें शेयर कर सकती हूँ कि मेरा ये मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये मेरी पावर ऑफ थाट ही है कि मुझे आपके साथ ये ऐसा एक पॉडकास्ट करना है। Great. तो आप बस ऊपर okay. mm -hmm. कुछ फेंकोगे वो नीचे आएगा बिल्कुल. तो आप लव दो पहले अपनी विजन में उससे आप जो क्रिएट करना हाँ, चाहते, वार चाहते वार ऐसा हो ना, होता ना जैसे हम किसी से मतलब करते हैं और वो बंदा सामने आए तो

फियर से ऑपरेट करके उसे बोलोगे हाँ। आप प्यार करते हो ना तो आप आँख बंद करके जस्ट एक्सप्रेस करो ओके okay. और उससे जो रिएक्शन आप चाहते हो ना वो विजुलाइज कर लो उसकी फीलिंग ले लो पहले से ही okay. कि भाई वो हाँ कह रही हो और मैं कैसा एक्साइटेड होने वाला हूँ तो मतलब आप पहले से ना सेलिब्रेट कर लो ओके okay. कि भैया ये तो हो चुका है ऑलरेडी डन है फिर यूनिवर्स ना डाउट नहीं है वो तो हो चुका है वो डाउट आएगा ही नहीं वो देखना आप सोचोगे अरे ये तो मैंने खाली सोचा था

मैं राइट right टाइम ही आज क्रिएट कर सकता हूँ पावरफुल mm -hmm. है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है भाई, तो मुझे कर जल्दी करते हैं। okay. uh, जो भी आपके मन में आए उसको विजुलाइज करो उसकी एक फ्रेमवर्क बनाओ भाई ठीक है ये पिक्चर मेरे साथ हो रही है और फीलिंग करो कि वो एक्सप्रेशन चाहे वो बिजनेस का हो प्रोफेशनल एक्सप्रेशन हो उसको एक्सेप्ट कर लो कि उसने मेरी तरफ से प्रपोजल ओके किया और अगर आपसे ऐसे विजन्स में नहीं होता तो हम ड्रीम बोर्ड करते हैं कि जो गाड़ी आपको लेनी है उसका प्रिंट आउट आप निकालो आपके सामने लगा, आपकी लगा बहुत अच्छी बात है आप मेरे ऑफिस में यहाँ बैठे हुए हैं पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं और अपने ऑफिस में से ही पॉडकास्ट कर रहे हैं और सामने देखो व्हाइट कलर का एक विजन बोर्ड लगा हुआ है इस पर लिखा हुआ है कि क्या क्या टास्क कर लिए हैं क्या क्या करने हैं जो रह गए हैं उसको रेड मार्क किया हुआ है ताकि नेक्स्ट डे मैं उसको ब्लू मार्क कर लूँ बिल्कुल ये आपका शॉर्ट टर्म हो गया एवरी डे का आप अपनी लाइफ कैसी क्रिएट करना चाहते हो आप पूरी लाइफ का फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हो okay. पिक्चर्स के द्वारा पिक्चर्स जो होती है हमें विजन्स बहुत जल्दी मैने वो हो जाता है हमारे फीड हो जाते हैं डाटा में तो आप विजन्स लगाओ जैसे पहले जमाने में नहीं बोलते थे प्रेग्नेंट लेडी के सामने अच्छी अच्छी फोटो लगाओ तो बच्चा वैसा ही होता है और मैक्सिमम टाइम पे जो सामने पोस्टर होता है ना बच्चे की शक्ल वैसी ही निकलती है फीलिंग आ जाती है तो बस वही पावर है आपको जो गाड़ी लेनी है उस उसके सामने फोटो लगा दो ये तो हो चुकी है और अफर्मेशंस एक और टूल पावरफुल टूल है कि आप अपने माइंड को अफर्मेशंस दो कि आई मतलब मैं मतलब किसी भी चीज़ से अगर आपको लव एक मैनिफेस्ट करना है तो आप बोलो कि आई डिज़र्व लव आई वॉन्ट नहीं वॉन्ट तो मतलब कि वॉन्ट आप चाहिए चाहिए मतलब कि इसका मतलब आपके पास है नहीं।, नहीं वो तो लैक है आपके पास ऑलरेडी है

उसके बाद वो प्रपोजल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना दूसरे के हाथ में है उसको भी मैंने अफर्मेट कर लिया अपने माइंड में तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो यस होगा लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला व्यक्ति मुझे जे प्यार करता है अब देखो इसमें ना यहाँ पे एक साइंस आती है एक फ्रीक्वेंसी चार्ट में हम शेयर करते हैं एवरी थिंग इज मैटर एंड एवरी थिंग इज एनर्जी आप जिस एनर्जी में हो ना आप उस एनर्जी के बंदों को अट्रैक्ट कर लोगे ओके सपोज अगर आपका आप विजनरी बंदा हो सेम मैं विजनरी हूँ जी। तो हो सकता है मैं अभी यहाँ हूँ लेकिन मेरी सोच विजन वही मतलब फ्रिक्वेंसी सेम में है तो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ तक अपने आप को पहुँचा दूंगी आप अपने से ऊपर जिस भी फ्रिक्वेंसी में हो वैसा ही बंदा आपको अट्रैक्ट करोगे आप हम जैसे पांच लोगों के साथ उठते बैठते हैं हमारा माइंडसेट वैसा हो जाता है तो अगर सामने वाला बंदा आपकी फ्रिक्वेंसी का है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और अगर वो फ्रिक्वेंसी का नहीं है तो फिर चाहिए क्यों है जान दो ना लेकिन ज़्यादातर ये कहते हैं कि भाई रिलेशनशिप में जरूरी कि दोनों एक जैसे हों अगर एक जैसे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कई बार ऐसा होता है इतने अपोजिट होते हैं जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रही होती है अपोजिट फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी क्या है आप लव फ्रिक्वेंसी में हो लव का मतलब ये नहीं है कि आप uh, मतलब सिर्फ फिजिकल लव है लव आपको जानवर से भी हो सकता है लव आपको प्लांट से हो सकता है लव आपको किसी भी मतलब किसी भी चीज़ से हो सकता है अगर सामने वाला इंसान लव में रहता है उसको कोई हेटरेट वाला नहीं है फियर्स नहीं है या वो चाहे अपोजिट हो सकता है जरूरी नहीं आप फिटनेस में हो तो आपका पार्टनर भी फिटनेस में ही हाँ, नहीं आपकी इस बात से हमको एक बात याद आती है जब मैं बहुत मोटा था ना मतलब 102 किलो का था और काफी कमर का सही सैंतालीस इंच था तो मेरे सारे सर्कल के जो लोग थे ना वो सब लाला बनी है तो शुरू से ही रहे हैं हैं आज भी लेकिन एक वो जो इवनिंग सर्कल होता है वो चेंज हो जाता है बिल्कुल शाम को मिलते रहे यार यार आज तो छोले भटूरे मंगा लेते हैं या आज तो आलू पूड़ी मंगा लेते हैं या आज तो चल यार हल्दीराम पर चलेंगे ये चीज़ें खाएंगे तो खाने पीने की बातें ज़्यादा होती थी है ना अब कहाँ गए वो सारे अब धीरे धीरे क्या हुआ सर्कल चेंज हुआ मेरा खुद का जो माइंड सेट है वो ये हुआ कि नहीं फिटनेस में करना है तो डाइट फूड खाना है अब लाला बनिया आदमी डाइट फूड थोड़ी खाएगा या स्प्राउट्स लेने हैं हमें या हमें प्रोटीन शेक लेना है या हमें फ्रूट्स लेने हैं तो धीरे धीरे करके सर्कल में वही लोग आ गए बिलीव मी कि आज हम अगर इवनिंग पार्टी करें ना तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि यार ये वाला जूस रख लियो ये वाला जूस बनवा लियो या मेरे लिए ग्रीन टी मेरे लिए ब्लैक टी मेरे लिए हाई प्रोटीन डाइट मेरे लिए उबले हुए चने मेरे लिए सब फ्रूट सैलेड तो आपने अपनी ट्राइब अपनी फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर दी अब सामने वाला पार्टनर चाहे वो फिटनेस फ्रीक ना हो लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस होगा कि मेरे को भी पहुंचना है वो आप या तो अपने आप को नीचे कर लो कि भैया मेरे को ये दोस्त ना छूटे मेरे चाहे मुझे भटूरे खाने पड़े या तो आप अपने आप को नीचे ले जाओ अच्छा एक बात और भी जब हम मतलब विल पावर में स्ट्रांग होते हैं तो वही दोस्त हमारी उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं आज भी मैं उन पार्टीज़ में जाता हूँ तो वो लोग अपने आप पूछ लेते हैं यार ठीक है यार हमारे लिए तो सोलेबोटरी मंगा रहे हैं या मेरे लिए सैंडविच मंगा रहे हैं मेरे लिए मंगा रहे हैं अमित के लिए ये मंगा लो अमित के लिए यार एक

जो आपका है ना आपकी फ्रिक्वेंसी में है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यू डोंट हैव टू चेज है, वो एक बार क्या है? आ, किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी उस, आपको उससे मिलवाने के लिए लगती है बिल्कुल। तो आप यू हैव टू चेज चेज का मतलब वो आपके पास है नहीं आप उसके पीछे भाग रहे हो अब आमिर खान का एक और डायलॉग है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो झक मार के आपके पीछे अपने आप आएगी आप सिर्फ काम करो कर्मा है जी। आप आपने आपने एक्सप्रेस कर दिया आपने अपनी फीलिंग बता दी सामने वाला अगर आपके फ्रिक्वेंसी का होगा तो वो आ जाएगा अगर वो नहीं आया मतलब वो आपका था ही नहीं। ये करने के लिए भी तैयार नहीं क्यूँकी वहाँ से मुझे मतलब ये नहीं है कि मेरे कैपेबिलिटी नहीं है यही सेल्फ लव आता है यही चाहिए सेल्फ लव कि भाई तू तो बेस्ट है वो तेरे लायक नहीं थी तो गई ओके okay. तो, इसीलिए जो जो लोग कई बार मैंने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं सुसाइड कर लेते हैं तो उसका कारण यही है कि वो सेल्फ लव नहीं है उनके पास हाँ, वो अपने किसी सामने वाले को रिजेक्शन को अपने ऊपर पर्सनल ले लेते हैं ओके okay. अभी जैसे आ, लास्ट पॉडकास्ट हमारा होना था तो किसी वजह से हमारा पॉडकास्ट नहीं हुआ अभी अगर मैं सेल्फ लव वाला बंदा नहीं होती ना तो मैं सेल्फ डाउट में चली जाती कि शायद मैं ही उतनी काबिल नहीं हूँ नहीं हूँ कि हम बैठ के पॉडकास्ट कर सके या मैं मैं अपने ही डाउट में जाती जी। लेकिन मैं शीशे के सामने यार तू बेस्ट है यार वक्त आएगा हो जाएगा वो डिपेंड करता है ना कई बार सर कम सन से होते हैं जैसे एक अच्छा देता हूं। हमारी सेल्स की टीम है मैं पूछता हूँ आप क्लाइंट को फॉलो करते हैं तो कैसे कैसे फॉलो करते हैं तो उनमें से किसी ने कहा कि सर मैंने फॉलो किया तो वो क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है मन का आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया वो इंटरेस्टेड नहीं है अगर किसी पर्सन ने अपने वर्किंग लाइफ में से टाइम निकाल के आपके पास एक इंक्वायरी फीड की है इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी ड्रीम डिजायर में वो प्रोडक्ट होगा बिल्कुल या उसको ज़रूरत होगी उसकी आपने कैसे एज्यूम कर लिया वो नहीं लेगा तो कहते सर हमने पहली बार कॉल किया तो रिंग जा रही थी दूसरी बार कॉल किया तो वो बिजी था तीसरी बार कॉल किया तो उसने कहा मैं मीटिंग में हूँ चौथी बार कॉल किया तो उसने कहा अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ जबकि पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही थी तो मैंने ये समझ लिया कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है मैंने कहा नहीं ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आपको क्या पता कि वो ड्राइव कर रहा हो और उस गाड़ी में बच्चे भी बैठे हुए जो शोर कर रहे हो आपको क्या पता है जिस मीटिंग में वो आपको लग रहा है कि मैं मीटिंग में हूँ उस मीटिंग में हो सकता है उसकी कोई प्रेजेंटेशन चल रही हो जिस पर बैकग्राउंड म्यूज़िक हो आपने अज्यूम कर लिया यार मीटिंग में तो है नहीं पार्टी में और मुझे इग्नोर कर रहा है

अगर किचन नहीं है तो हर घर हमारे लिए एक क्लाइंट है बस अगर और वो तब तक क्लाइंट है जब तक कि या तो वो ये कह दे कि भैया मैं थक गया तो उससे मुझसे पैसे ले ले और मेरी ये किचन लगा दे भाई अब बहुत हो गया या फिर मतलब वो आप कन्वर्ट कर लो उसको जब तक कि वो पूरी तरीके से या तो आपका क्लाइंट बन जाए या हार के कह दे भाई मेरे मेरे से तो बस हो गई है अब या तो कुछ और लगा लिया उसने

अगर आपकी टीम ये सोचेगी ना भैया ये कॉल को मुझे आज कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट ही होगी एक मेरा एक अच्छा सा क्वेश्चन है इसमें अब वो क्वेश्चन ये है कि भाई सेल्फ लव हम करते हैं सेल्फ बिलीव हमारे अंदर है अफर्मेशन हम करते हैं पावर ऑफ विजुलाइजेशन को मानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं हम किसी को प्यार करते हैं कोई हमें प्यार करता है हम जानते हैं या नहीं जानते या हम किसी को प्यार करते हैं हम बताते हैं या नहीं बताते ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी की नफ़रत को प्यार में बदल दे कैसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कैसे आप सपोज पुराने जमाने में वो महाभारत वो आ, आते थे सीरियल की तीर आ रहा है आपकी तरफ और सामने से भी आप तीर चला रहे हो तो दोनों स्पार्क हो जाते थे तो आप नफ़रत दे रहे हो सामने से नफ़रत आ रही है तो वो स्पार्किंग हो रही है आपको क्या करना है वो तीर आ रहा है ना एनर्जी है हम सब एनर्जी हैं तो एनर्जी क्या आपने फियर एनर्जी हेटरेट एनर्जी कोई भी एनर्जी सामने से आई आपको उसको लव इज द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी आपको हर चीज को ट्रांस एनर्जी जो होती है हम उसको कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसम्यूट आप मेरे को दस बार हेटरेट दे रहे हो मैं ले ही नहीं रही मैं उसको फिर लव दिए जा रही हूँ hmm. मैं फिर लव दिए जा रही हूँ वो फिर लव दिए जा रही हूँ उसके अंदर इतना लव भर दो कि सामने आप जो दे रहे हो ना आना वो है hmm. तो सामने से अगर हेटरेट आ रही है ना आँख बंद करके बस लव दो तो एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी मुझे याद आती है गौतम बुद्ध के बारे में गौतम बुद्ध जी बैठे हुए थे एक बार अपने शिष्यों के साथ में तो एक बंदा वहाँ आता है आके उससे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है गालियाँ देता है अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है मतलब ऐसे कड़े शब्द हैं कि मैं स्क्रीन पर बोल भी नहीं सकता तो गौतम बुद्ध जी आँख खोलते हैं और कहते हैं बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कहते हैं महाराज मैंने आपके लिए इतना अपशब्द बोला इतना अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया उसके बाद भी आप इतनी शालीनता से मुझसे बात कर रहे हैं ये आप कैसे कर पाते हैं ये तो अनोखा ही गुण है आपके अंदर आज किसी को एक गाली दो पलट के दो गाली देता है तो कह रही भाई देखो आपने मुझे कुछ दिया जब तक मैं उसको लूंगा नहीं जब तक वो मेरा कैसे होगा आपने मुझे जो कुछ भी दिया वो मैंने ग्रहण नहीं किया मैंने लिया ही नहीं तो वो वापस आप ही के पास रह गया अब आप मुझे जो देंगे वो लेना या लेना मेरे ऊपर निर्भर करता है और मेरे माइंड का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है बिल्कुल तो लेकिन ये तो गौतम बुद्ध थे अब हम ह्यूमन मतलब नॉर्मल जनता हम लोग तो ये कहेंगे भाई हम बुद्धा तो है नहीं हमें तो गुस्सा आएगा भाई मैं तो मार दूँ अगर मुझे कोई सामने से बोलेगा मैं तो वापस दो थप्पड़ लगा के आने वाला वाला बंदा थी अब यहाँ पे ना एंगर मैनेजमेंट अपनी इमोशनल मैनेज कैसे कर तो बात मेरे को बड़ी मजेदारी याद <laughs> आ रही है हमारे ना एक दादाजी है रिलेशन में लगते हैं दादाजी तो वो मेरे साथ गाड़ी में जा रहे थे तो गाड़ी में जाते हैं कई बार होता है ओवरटेक किसी से हो गया या कोई गलत लाइट जंप हो गई या गलत रिश्ते टर्न ले लिया तो दूसरा बंदा गाली देता है तो अंदर बैठा होता है गाड़ी में गाड़ी में बैठा सामने ना उसको सुनाई दे रहा है ना आपको सुनाई दे रहा है उसने कुछ फेस एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन दिया तो आपने भी यहाँ से गाली दी इसको तो कह बेटा कभी ऐसे मत करा कर अरे क्यों कहते उसको सुनाई नहीं दी तू तो कहते अबोध बाला के जाने दो अबोध बाला के जाने दो

मतलब लाइट लाइट नहीं होती थी जो फोकस है वो है। नहीं होती और व्हाइट नहीं होती थी येलो लाइट होती थी आजकल तो गाड़ियों में लगी हुई वाइट लाइट आ रही है तो लोग क्या करते मन थे थे। थे। तो तो करता ना गाड़ी से उतरू और एक से टॉर्च लेके इसके मुंह के सामने देख तो वो मेरे को ऐसा फील होता था धीरे धीरे मुझे लगा नहीं यार आदमी है इसको क्या और उस टाइम पे ना आपको वैसे ही लोग मिलते हैं जब आप वो फ्रिक्वेंसी में हो ना आप एंगर एंगर क्या है वो भी आपकी लोअर फ्रिक्वेंसी है अब गुस्सा तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे सड़क पे भी ना आपको लोग वो करके जाएंगे यहाँ तो राइट सोलूशन तो right लगा कि भाई सबसे बढ़िया क्या है जैसे आई साइड का चश्मा है तो मैंने इसको येलो ग्लासेस में बनाया हुआ है जो एक रिफ्लेक्शन को रोक लेता है तो मुझे पता ही नहीं चलता कि उसकी लाइट वाइट है या हार्ड लाइट है सॉफ्ट लाइट है लेजर लाइट है तो मेरे लिए वो सारी इक्वलेंट हो जाते हैं उनका आने वाली नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं उस पर ध्यान दो तो ये जो चश्मा है ना ये तो आपने फिजिकल चश्मा लगाया है ऐसे ही आपको अपने माइंड पे एक चश्मा लगाना है और वो एंगर ना वो आपका अंदर जो है ना वो बाहर आएगा गुस्सा आपको किसी ने दिया थोड़ी है गुस्सा मुझे गुस्सा आ गया आया कोई बाहर से थोड़ी आया गुस्सा तो आपके अंदर था तो जो बाहर आ गया गुस्सा आया किसी बाहर से नहीं आया वो आप के अंदर है वो किसी और बात का गुस्सा था वो लाइट ने उसको ट्रिगर कर दिया गुस्सा तो किसी और चीज़ का था कि वो वो तो खाली उसने हॉलोजन से आपको पॉप अप कर दिया अब इसको एक बहुत पावरफुल टूल होता है कि आप लिखो अपने गुस्से को यहीं पे हमें जो हमने वीकनेस देखी अपनी पता चल गया गुस्सा आता है अब उसको लिखो उसको बर्न कर दो और फ्लश कर दो मूवी में देखा था मैंने कौन सी मूवी थी आ, उसमें करीना कपूर होती है या कोई कौन में लिख के बताओ फ्रेंड्स कि वो कौन सी मूवी है

मैंने वहाँ पे ना बोली और बड़ी फर्मली आपको रूड नहीं होना सेल्फ लव ये एक बहुत बड़ा मिथ हो जाता है कि सेल्फ लव मतलब आप सेल्फिश हो गए अच्छा सेल्फ लव और सेल्फिश को लोग कई बार एक जैसा मानते हैं हाँ, कि सेल्फ लव मतलब कि अब आप, आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे आप दुनिया के बारे में नहीं सोचोगे नहीं वो बहुत एक बारीक लाइन है आप खुद को प्रायोरिटी पे रखोगे लेकिन किसी और को नीचा करके नहीं ग्रेट आप लव में हो ना तो लव में फिर एरोगेंस नहीं आता आप बहुत प्यार से अपनी बात रख पाते हो कि यार really आई रियलीसरेडीटेंट कुछ commitment है मैं थोड़ा सा करके हो ना जब लव से ऑपरेट कर रहे हो तो फिर सामने वाले को वो लव ही जाएगा वो समझ पाएगा कि वो भी हमें लव ही देगा हाँ यार आई कैन अंडरस्टैंड कोई नहीं तो आराम से आई हो और सेम चीज़ हम अपने बच्चों को जैसे हमने बच्चों को क्या बोलते हैं कि उल्टा जवाब दे रहा है बदतमीज़ है या अ, मेरा बच्चा मेरी सारी बातें मानता है मैंने जिस प्रोफेशन में वो कहा इसको वही करेगा या मैं जैसा चाहती हूँ मेरे इशारे से चले तो आपका बच्चा थोड़ी है वो फिर वो तो आपने प्रोजेस कर लिया उसको आपने बांध दिया उसे तो यहाँ लव का जो आपने पूछा अगर आप किसी लव में हैं एक्चुअल लव में जो आजकल लव है वो तो अट्रैक्शन है लव का मतलब है फ्रीडम आज़ादी दूसरे को आज़ाद दे दो आज़ादी दो कि आपको उसको आपसे प्यार नहीं है ना तो भी आपको प्यार है उससे okay. उसको नहीं है वो उसकी चॉइस है आपका आपका डिसीजन आपका होना चाहिए तो आज़ाद दूसरे को प्यार मतलब तो अगर हम किसी पौधे को उसको बांध दें हमें तो कोई फूल है बढ़ेगा ही नहीं और वो लव थोड़ी है आप अपने बच्चों को आजादी दो अपने पार्टनर को आजादी दो आपने उसको आजाद छोड़ दिया ना वो कहीं नहीं जाएगा नहीं। वो अपने आप आ जाएगा पांच ऐसी बातें जो मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए अफर्मेशन लव सेल्फ लव से फॉलो करनी चाहिए वो ऐसी पांच बातें आई थिंक आप तो खुद ब्रांड एम्बेसडर हो सक्सेस के तो मैं तो अभी जर्नी में हूँ पांच तो मुझे लगता है कि लगे रहो चलते रहो okay. आपको जर्नी को एंजॉय करना mm -hmm. जैसे हमें बोलते थे बस टेंथ पास हो जाए उसके बाद तो मजे ही मजे हैं mm -hmm. ट्वेल्थ पास हो जाए स्कूल पास हो जाए मजे ही मजे हैं शाद वो कॉलेज हो जाए मजे ही मजे हैं शादी हो जाए मजे ही मजे हैं, वो मजे तो आए नहीं मजे <laughs> खा दे वो तो आए ही नहीं तो मैं तो अपने दोस्तों को भाई टेंथ में ना जिंदगी के मजे इसी में है मैं अपने बेटा बेटे को यही बोलती हूँ जिस उम्र के जो कांड है ना वो सब करियो उसको एक्सपीरियंस तो करो आपके पास मेमोरी आप मेमोरी क्या क्रिएट कर रहे हो hmm. आप गोल पे मत जाओ आपको अगर यहाँ से दिल्ली से जयपुर जाना है जयपुर जाके थोड़ी इंजॉय करोगे ठीक बात है पूरे रस्ते में आपने क्या मेमोरीज क्रिएट करी किया। वही बात जब हम जाते हैं ना कहीं पर मैं तो फुल टाइम इंजॉय करता मेरी तो गाड़ी में बैठते ही मेरा मूवमेंट शुरू हो जाता है कि मैं वहाँ क्या पता रास्ते में अगर कुछ हुआ मैं तो पहुँची नहीं तो मेरे को इन्जॉय तो कर लूँ मैं तो यही हमारी लाइफ की जर्नी है हमें कहीं नहीं पहुँचना लोग बोलते हैं कि हम मैं ये बन जाऊँगा तब इन्जॉय करूँगा अभी मैं कल किसी के साथ बैठी थी वो डॉक्टरी उसने करी है वो डॉक्टर बन गया अब उसका वो आ रहा है कि आई वॉन्ट टू सुसाइड मैंने कहा फिर यही तो बनना था तुझे क्योंकि उसके पेरेंट्स ने वो फीडिंग दी थी कि तू डॉक्टर बनेगा तो तू खुश हो जाएगा hmm. वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड में हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है ना हमारे जो पेरेंट्स की जो कंडीशनिंग है वो हमने पास ऑन कर दी hmm. अब वो बन गया डॉक्टर अब तो वो खुश ही नहीं है तो क्या, अब क्या तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि जो हमारी रूटीन लाइफ है एवरी मोमेंट यू हैव टू लिव लाइक अ हैप्पी पर्सन एवरी मोमेंट बी इन दिस मोमेंट मैं अभी आपके साथ हूं ना मैं इस इस कम्युनिकेशन को हम एंजॉय कर रहे हैं सेकंड स्टेप सेकंड बढ़ते रहो निरंतर आगे, बढ़ने आगे के लिए बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो आप थोड़ा-थोड़ा थोड़ा, थोड़ा Third करते रहो जर्नी पे पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा बिल्कुल थर्ड स्टेप आप सामने जो भी है एक्सपेक्टेशंस मत रखो ओके okay. किसी भी चीज से एक्सपेक्टेशंस नहीं फोर्थ hmm. स्टेप कर्मा आपने जो सीड डाला है वापस तो वही आने वाला है Great. आपने अगर अच्छा अफर्मेशन डाल रहे हो नियत साफ रखो ग्रैटिट्यूड मोड में रहो और जितना बढ़ते जाओ उतने ग्राउंडेड होते जाओ ग्रेट नीवे नीवे अनुफल लगते हैं मतलब पंजाबी में हमारे Humble बोलते हैं है कि आप जितना ऊपर जाते हो आप उतना हंबल होते जाओ ग्रेट हंबल मतलब आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो और सामने वाले को भी एक्सेप्ट करो यहाँ पे एरोगेंस नहीं आना चाहिए कि अब सेल्फ लव में तो मैं हूँ तो सामने वाला कोई छोटा है सब यात्रा में है फिफ्थ स्टेप स्टेप मतलब वो तो अल्टीमेट सोर्स है और हम सब वहीं से आए हैं वहीं वापस जाना है same. तो सेम एज वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इस पूरे पॉडकास्ट को बहुत अच्छे ध्यान से सुना समझा और एक अपने मन में विश्वास जगाया है कि मैं इस पर अमल भी करूंगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही लेजेंड्स ऑफ नेशन में हम काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज के साथ लगातार मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में ज्योति सचदेवा जी थैंक यू हम दोनों मिलकर जी. हमारे सभी व्यूअर्स का हृदय की गों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक्स टू एवरीबडी